हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह प्रोमूर्चा संबलपुर से। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, डीजल पंप कैसे खोलते हैं, ठीक, उसका टाइमिंग को कैसे लॉक करते हैं, इंजन का टाइमिंग को कैसे लॉक करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी डीजल पंप को फिटिंग करेंगे और डीजल पंप का टाइमिंग को कैसे अनलॉक करेंगे, इंजन का टाइमिंग को कैसे अनलॉक करेंगे, ठीक, वो जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। और यदि आप हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। और आई बटन पे भी ऊपर जो आई बटन जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए, डीजल पंप को फिटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ निश्चित कर लेना है, आपने जिस पोजिशन पर खोला था टाइमिंग उसी पोजिशन पर लॉक है या नहीं है, ठीक। ये देखिए, ये इसका जो कट मार्का है, उस समय जब मैं खोला था तो वो भी इसी कोना पे आकर के ये मैच हो रहा था, और अभी भी देखिए इसी कोना पे है। यदि ये है तो फर्स्ट डीसी को बोलते, ये पंप जो है दो पोजीशन में खुलता है, एक फर्स्ट डीसी और एक सेकंड टीडीसी में। यदि सेकंड टीडीसी में हो तो ये पोजीशन जो है ये सामने में नहीं आएगा, वो एक अलग पोजीशन में बन के रहता है दूसरे साइड। देखिए, कट मार्का आपको देखने के बाद जो है, ये देखिए कट मार्का, इसको देख लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको ये देख लेना है अपना लॉकिंग पोजिशन जो है प्रॉपर लॉक है या नहीं है, इसको प्रॉपर लॉक होना चाहिए। ये देखिए, ये रिंग मूव कर रहा है, इसका मतलब ये लॉक प्रॉपर लॉक है। ये बोल्ट फंसा दिया है, ये बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है, ये बोल्ट को फुल टाइट करने से पहले ये देखिए पीछे में जो 22 नंबर जो ये नट जो लगा था, ये नट को फिटिंग कर लेना है। देखिए, वो पीछे का बोल्ट जो है ना, नट जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। ये देखिए यहाँ पे, और डीजल पंप में वो 22 नंबर का नट जो है ना, उसको लगाने के बाद अपने उसको टाइट कर लेंगे। ये पीछे से देखिए, ट्रांसमिशन के पीछे से, इधर से ये वीडियो में ले रहा हूँ, लेकिन टाइट इधर से नहीं होता है, वो इंजन की तरफ से हाथ अंदर की ओर डाल के टाइट करेंगे उसको। देखिए, अंदर का जो 22 नंबर का बोल्ट जो लगाए थे वो तो लग गया, और बोल्ट को लगाने के बाद ये उसका कैप है, ये फाइबर का कैप होता है, ये कैप को भी लगा देते हैं। देखिए, वो बोल्ट को भी अपने इधर से ही लगाते हैं और टाइट भी करते हैं, ठीक, और कैप को भी इधर से ही लगाएंगे, क्या है कि दूसरे साइड से जगह होता नहीं है लगाने का। देखिए, ये जो लॉक नट जो था, ये लॉक नट को ढीला कर लेना है पाना के सहारा से, और उसके बाद देखिए ये जो रिंग का पोजीशन है, इसको ऐसे चेंज करके फिर इसको टाइट करना है। इसको ऐसा करने से ये अपना पंप अनलॉक हो जाता है, जो लॉक होके था वो अभी अनलॉक हो जाएगा। मूव हो रहा था, अब ये मूव नहीं करेगा, इसको बोलते पंप का टाइमिंग को अनलॉक करना। उसके बाद करेंट टाइमिंग को अनलॉक करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। देखिए, डीजल पंप का ये हाई प्रेशर पाइप बोलते हैं इसको, ये जो है ना डीजल पंप का हाई प्रेशर पाइप है, तो ये देखिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जो हाइड्रोलिक होज पाइप जो खोले थे, ये होज पाइप को, इसको भी टाइट कर लेंगे। ये अडेप्टर के साथ में इसको खोले थे, होज पाइप खोलने के बाद अडेप्टर भी खोले थे, जो कि वो नट को खोलने के लिए सुविधा हो जाए, पंप का नट को खोलने के लिए थोड़ा गैप बन जाए, जगह बन जाए। ये पाइप को भी टाइट कर लेते हैं। उसके बाद पंप के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई था, उस स्विच को लगा देंगे, जैसे ये क्लिप से ये। उसके बाद देखिए, ऊपर में एक यहाँ लगा था, ये क्लिप ऊपर में यहाँ पे इसको लगा देंगे। देखिए, डीजल लाइन का जो मेन डीजल पंप में इन होगा वो पाइप, ये नीचे से आता है। देखिए, क्रैंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे एलेंकी लगा रखा हूँ, ठीक। अब ये एलेंकी को बाहर कर देंगे, और वहाँ पे ये बोल्ट लगा हुआ था उस जगह पे, एलिंकी टाइप का बोल्ट है, यहाँ 6 नंबर का एलिंकी लगता है, और अपने ये बोल्ट को प्लग को वहाँ टाइट कर देंगे, ठीक। और कैसे अपने पंप का एयर बाहर करेंगे, पंप से एयर को कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। पंप का इनपुट लाइन है जहाँ से डीजल इन करता है, और देखिए अपने नोजल से एयर को बाहर करेंगे, नोजल से कैसे एयर को बाहर करते हैं, ये हाई प्रेशर लाइन से। ये नोजल से एयर को बाहर करने के लिए क्या करना होता है, ये सभी पाइप को जो है ना अपने लूज कर देंगे, लूज पोजीशन में रहेगा, टाइट नहीं करेंगे, और क्रैंकिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं मशीन को। मशीन स्टार्ट नहीं होगा यहाँ से, नोजल से और डीजल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट मारिए। तो नोजल से मारिए एक बार, डीजल
चलिए अपने अब ये स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या पोजीशन है।